हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पे फर्स्ट पेपर के लिए दोस्तों राजस्थान की ज्योग्राफी में दोस्तों आज मैं आपके सामने टॉप 65 प्रश्न लेके आया हूँ। और ये 65 प्रश्न है ये दोस्तों राजस्थान में उद्योग धंधे से संबंधित है, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको ये जो डीपली जो हार्ड टॉपिक है अगर इन्हीं को ही पढ़ोगे तो दोस्तों आप जो साथी हैं उससे आगे निकल सकते हो, ठीक है। क्योंकि हार्ड लेवल का क्वेश्चन है वो दोस्तों उद्योग धंधे में और खनिज में से ही पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो है वो आपको पूरा देखना है और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को दबाना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान सूचना व प्रौद्योगिकी दिवस है, राजस्थान सूचना व प्रौद्योगिकी दिवस है, तो दोस्तों ये कौन सा है इनमें वो दिवस है? चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं, 15 मार्च, 8 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 21 मार्च, ठीक है। 21 मार्च को दोस्तों राजस्थान सूचना व प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है दोस्तों इसके साथ में, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहां पर है? तो दोस्तों ये पार्क है ये जयपुर में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर प्रश्न है, राजस्थान में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क निम्न में से किसकी सहायता से स्थापित किया गया? राजस्थान में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क निम्न में से किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जापान में की सहायता से स्थापित किया गया है। किसकी सहायता से? जापान की सहायता से दोस्तों ये स्थापित किया गया है। तो एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर प्रश्न है, देखो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें देखो जो अशोक लेलैंड है, ठीक है, को ये ट्रक कारखाना है, ठीक है, अशोक लेलैंड के ट्रक आते हैं दोस्तों, तो अशोक लेलैंड ट्रक जो कारखाना है ये कहाँ स्थित है अपने राजस्थान में? तो कहाँ पर स्थित है ये तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये कहाँ पर है? तो ये अलवर में है, ठीक है, कहाँ पर है? अलवर में। एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार नंबर प्रश्न है, राज्य की आईटी नीति कब घोषित की गई? तो दोस्तों राज्य की आईटी नीति है ये कब घोषित की गई ये दोस्तों अपने को इसमें बताना है। तो दोस्तों आईटी नीति है वो 1 दिसंबर 2007 को घोषित की गई थी आईटी नीति, ठीक है। तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांच नंबर प्रश्न है, देखो DMIC, ठीक है, DMIC कॉरिडोर के विकास की परिधि में राजस्थान के कितने जिले सम्मिलित हैं? दोबारा देखो, DMIC कॉरिडोर के विकास की परिधि में राजस्थान के कितने जिले सम्मिलित हैं? तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 25, 22, 24, 28। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो वो है दोस्तों इसमें 22। दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स नंबर प्रश्न है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत राज्य में किस स्थान को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत राज्य में किस स्थान को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें निमराणा, ठीक है, कौन सा है? निमराणा। दो नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस कॉरिडोर का लगभग 39% भाग है वो राजस्थान में है, ठीक है। इस कॉरिडोर के प्रथम चरण में राज्य का पाली, मारवाड़ में जोधपुर, ठीक है, एवं कुशखेड़ा, भिवाड़ी, निमराणा क्षेत्र है वो दोस्तों इसके अंदर शामिल है वो, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं, सात नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री जिसमें शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है कहां पर स्थित है? हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री जिसमें शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है ये कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है कहां पर? धौलपुर में स्थित है दोस्तों। कहां पर स्थित है?
धौलपुर में आप सभी को पता होगा कांच के जो गिलास और बोतलों की जो फैक्ट्री है वो धौलपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महत्व की योजना दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में है? राष्ट्रीय महत्व की योजना दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 39%। कितना है? 39% है। यह कॉरिडोर दिल्ली व मुंबई के मध्य 1483 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, अब देखो 1483 का अपन 39% निकाल लेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। 9 नंबर प्रश्न है, DMIC परियोजना के तहत देश के कितने प्रदेश आएंगे? तो दोस्तों DMIC परियोजना के तहत देश के कितने प्रदेश आएंगे? तो दोस्तों देश के कितने प्रदेश आएंगे इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 7 प्रदेश आएंगे देश के। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। देखो 7 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं इसमें, तो देखो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली। ठीक है, ये DMIC परियोजना के तहत देश में ये 7 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश आते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर प्रश्न है, सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज जो टीवी की पिक्चर ट्यूब बनाने का निर्माण करती है कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आप सभी को पता है जो सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज है ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये कहाँ पर है, और जो टीवी की पिक्चर ट्यूब बनाने का निर्माण करती है तो वो है दोस्तों कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये कोटा में है। कहाँ पर है? कोटा में। 3 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस झील से होता है? तो वो होता है दोस्तों किस झील से? सांबर झील से होता है इस सर्वाधिक नमक का उत्पादन। और दोस्तों सांबर झील में देश के कुल नमक उत्पादन का 8.7% नमक उत्पादन होता है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है, राज्य की पहली चीनी मिल कौन सी है? तो दोस्तों राज्य की पहली चीनी मिल है वो कौन सी है? 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? राज्य की पहली चीनी मिल कौन सी है? तो दोस्तों पहली चीनी मिल हो जाएगी इसमें दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, भोपाल, सागर, चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये दोस्तों राज्य की पहली चीनी मिल है। ठीक है, मेवाड़ शुगर मिल राज्य में निजी क्षेत्र की चीनी मिल है, गंगानगर शुगर मिल सार्वजनिक सरकारी क्षेत्र में है, तथा केशोराय पाटन शुगर मिल सहकारी क्षेत्र की भी थी ये। ठीक है, 1 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। 13 नंबर प्रश्न है, केशोराय पाटन चीनी मिल किस देश में स्थापित की गई थी? केशोराय पाटन चीनी मिल किस देश में स्थापित की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो क्या है? तो दोस्तों ये सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गई थी केशोराय पाटन, जो चित्तौड़गढ़ में, सॉरी केशोराय पाटन मिल्स है। ठीक है, तो ये सहकारी मिल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं, 14 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में शक्कर उद्योग के कारखानों की स्थापना कहाँ हुई है? राजस्थान में शक्कर उद्योग के कारखानों की स्थापना है ये दोस्तों कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है इसमें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के समीप। ठीक है, गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के समीप दोस्तों राजस्थान में शक्कर उद्योग के कारखाने की स्थापना हुई है। ठीक है, ये दोस्तों आपको याद रखना है। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करना चाहता हूँ कि फर्स्ट ग्रेड के लिए जो हैंड राइटिंग जो नोट्स है, ठीक है, विथ कलरफुल कलरफुल नोट्स है दोस्तों। ठीक है, हैंड राइटिंग नोट है, नोट्स है, किसी कोचिंग के नहीं है। ठीक है, और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आराध्य आर एस एकेडमी के खुद के नोट्स है दोस्तों,
ठीक है, और अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं मार्केट में, सिर्फ पहली बार आपको मिलेंगे दोस्तों वो। तो इसमें राजस्थान ज्योग्राफी के अलग होंगे नोट से, ठीक है, और इसमें हिस्ट्री के हैं वो अलग होंगे, पॉलिटिकल साइंस के अलग होंगे, और इसमें जो इकोनॉमिक्स हैं इकोनॉमिक्स के अलग नोट्स होंगे दोस्तों इसमें, ठीक है, सबके अलग अलग नोट्स होंगे, तो वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे 2-3 दिनों के अंदर। तो दोस्तों कमेंट करके बताना जिस जिसको भी चाहिए, ठीक है। और उसमें से दोस्तों आप पहले मैं आपको इसमें इसकी थोड़ी झलक दिखा दूंगा, ठीक है, वीडियो में थोड़ी सी झलक दिखा दूंगा कि वो कैसे हैं नोट्स, ठीक है। तो दोस्तों नोट्स देखना एक बार, उनको पढ़ना, बिल्कुल कलरफुल नोट्स है और ए लेवल के नोट्स है दोस्तों, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा गारंटी के साथ, स्पेशल फर्स्ट ग्रेड के लिए बनाया गया है दोस्तों, ठीक है, और उसमें सारे टॉपिक हैं वो कवर किए गए हैं। 15 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के तीव्र विकास के मार्ग में कौन सी बाधा है? राजस्थान में सीमेंट उद्योग के तीव्र विकास के मार्ग में कौन सी बाधा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पुरानी उत्पादन तकनीक, कोयले की कमी, विद्युत की अनियमित आपूर्ति, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी, 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, राज्य में सफेद सीमेंट के कारखाने कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राज्य में सफेद सीमेंट के जो कारखाने हैं वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों गोटन नागौर में है सफेद सीमेंट का कारखाना, और है दोस्तों इसमें खारिया खंगार भोपालगढ़ जोधपुर में है सफेद सीमेंट का कारखाने। तो ये 2 सफेद सीमेंट के कारखाने हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत कहाँ व कब की गई? तो कहाँ व कब की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लाखेरी बूंदी में 1917 में की गई थी दोस्तों सबसे पहले सीमेंट के कारखाने की स्थापना, और यह है ACC द्वारा लगाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर प्रश्न है, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना पर प्रभाव पड़ता है, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना पर प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों किसका प्रभाव पड़ता है? तो देखो कच्चे माल व श्रम की उपलब्धता का, बाजार की समीपता का, जल व विद्युत की आपूर्ति व अनुकूलन जलवायु का। तो दोस्तों इन सभी का प्रभाव पड़ता है सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी, यानी कि 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, देखो सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड अपने को यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, अपने को बताना है कि ये जो पार्क है ये कहाँ पर है, ये स्तन जो ये पार्क है ये कहाँ पर है वो अपने को इसमें बताना है, ठीक है। तो इसमें देखो अपने को दे रखा है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों है कहाँ पर है? तो ये कनकपुरा जयपुर में है। कहाँ पर है? कनकपुरा जयपुर में। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क है ये दोस्तों निमराना अलवर में है। कहाँ पर है? निमराना अलवर में। दूसरा देखो एपेरल पार्क है, तो दोस्तों एपेरल जो पार्क है ये कहाँ पर है? तो एपेरल पार्क की अगर अपन बात करें तो दोस्तों ये एपेरल पार्क है ये कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों इसमें महल जयपुर, ठीक है, जयपुर में ही है ये, और अर्थ स्टेशन है ये दोस्तों सीतापुरा जयपुर में है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर तो ये हो जाएगा कि 2143, ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं अब आपको बता देता हूँ एपेरल पार्क है वो कारोला भिवाड़ी में भी है, ठीक है, और अर्थ स्टेशन है वो बोरानाडा जोधपुर में भी है, ठीक है, सीतापुरा जयपुर में भी है और एक बोरानाडा जोधपुर में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2143, 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। 20 नंबर प्रश्न है, प्रदेश का पहला राइस क्लस्टर कहाँ बनेगा? तो प्रदेश का पहला राइस क्लस्टर है वो कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा दोस्तों बूंदी में। कहाँ पर बनेगा? बूंदी में। तो 1 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
21 नंबर प्रश्न है, राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा राज्य की लुप्त हो रही फड चित्रकला के पुनरुत्थान के लिए प्रशिक्षण केंद्र कहाँ संचालित किया जा रहा है? तो दोस्तों राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा राज्य की लुप्त हो रही फड चित्रकला के पुनरुत्थान के लिए प्रशिक्षण केंद्र कहाँ संचालित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। दो नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो सुमेलित कीजिए, एक तरफ पार्क दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्थान दिया गया है, ठीक है, एक तरफ पार्क है दूसरी तरफ स्थान है। तो देखो होजियारी पार्क, तो ये होजियारी पार्क है ये दोस्तों कहाँ पर है? तो आप सभी को पता होगा कि ये जो होजियारी जो पार्क है ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये है चौंप की भिवाड़ी के अंदर होजियारी पार्क है ये, ठीक है। और पुष्प पार्क है ये है दोस्तों खुसखेड़ा अलवर में। एग्रो फूड पार्क है ये है दोस्तों कहाँ पर है? ये रानपुर कोटा में है। और एपेरल पार्क है ये दोस्तों महल जगतपुरा जयपुर, ठीक है, ये यहाँ पे है। तो ये सारे के सारे इसमें सही सुमेलित कर दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2341, 2341 इसका राइट आंसर, यानी कि इसमें चार नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों एक तरफ है अपने पास यहाँ पे संस्थान, ठीक है, एक तरफ है यहाँ पे संस्थान, दूसरी तरफ है जिला। तो अपने को यहाँ पे इसमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखो कंप्यूटर एडेड डिजाइन ये दोस्तों कहाँ पर है ये संस्थान? तो ये संस्थान है भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग सेंटर, ठीक है, भीलवाड़ा में है, ठीक है। हस्तशिल्प डिजाइन है ये दोस्तों कहाँ पर है ये संस्थान? तो ये संस्थान जयपुर शोध केंद्र विकास यहाँ पर है ये संस्थान। दूसरा है सिरेमिक परीक्षण, तो ये है दोस्तों कौन से जिले में? तो ये बीकानेर प्रयोगशाला में है। वुड सोजनिंग प्लांट ये दोस्तों कौन से जिले में है? तो ये जोधपुर सर्विस फैसिलिटी व कॉमन, ठीक है, ये यहाँ पर है, ठीक है, तो जोधपुर में है ये वुड सोजनिंग प्लांट। तो ये सारे के सारे दोस्तों इसमें सही सुमेलित पहले से ही हैं। तो इसका 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मतलब इसका 1, 2, 3, 4 मतलब चार नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर प्रश्न है, चतुर्थ औद्योगिक नीति में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनाई गई है? तो दोस्तों कौन सी रणनीति है वो अपनाई गई है वो अपने को इसमें बताना है, ठीक है। दोबारा देखो प्रश्न को, चतुर्थ औद्योगिक नीति में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनाई गई है? तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सी रणनीति अपनाई गई है वो दोस्तों बताना है, ठीक है। तो दोस्तों चारों ऑप्शन पढ़ लो जल्दी से, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर वो भी आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों देख लो जल्दी से चारों ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चतुर्थ औद्योगिक नीति में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनाई गई? तो वो है समूहों के विकास की रणनीति है वो अपनाई गई थी। तो एक नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने जूट पार्क कहाँ खोलने का प्रस्ताव की मंजूरी दी है? तो दोस्तों जूट पार्क है वो कहाँ पर खोलने की मंजूरी प्रदान की है? तो वो आपको दोस्तों इसमें बताना है, ठीक है। तो कहाँ पर ये मंजूरी प्रदान की गई है खोलने की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें श्रीनगर अजमेर में, ठीक है। ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला नहीं है, एक श्रीनगर अजमेर में भी है, ठीक है। तो यहाँ पर केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने जूट पार्क खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो तीन नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, झालावाड़ जिले के झालरापाटन तहसील के गांव धनोदी में निम्न में से कौन सा पार्क बनेगा? दोस्तों झालावाड़ जिले के झालरापाटन तहसील के गांव धनोदी में निम्न में से कौन सा पार्क बनेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एग्रो फूड पार्क बनेगा, ठीक है, एग्रो फूड पार्क। दो नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह है हाड़ोती का दूसरा एग्रो फूड पार्क है, हाड़ोती का पहला एग्रो फूड पार्क है वो रानपुर कोटा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर प्रश्न है,
दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC राजस्थान के 1000 मेगावाट का गैस आधारित एक प्लांट कहां पर लगाएगी? तो दोस्तों दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर राजस्थान में 1000 मेगावाट का गैस आधारित एक प्लांट कहां पर लगाएगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है दोस्तों इसमें बांसवाड़ा में लगाएगी दोस्तों, ये एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर प्रश्न, राज्य का पहला स्पाइस पार्क कहां पर है? तो दोस्तों राज्य का पहला स्पाइस पार्क है वो कहां पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, देखो राज्य का पहला स्पाइस पार्क की अगर अपन बात करें तो ये है दोस्तों कहां पर है, जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। और दूसरा स्पार्क पार्क है वो दोस्तों रामगंज मंडी कोटा में है, ठीक है, कोटा में भी है ये दूसरा स्पाइस पार्क है, पहला स्पाइस पार्क है वो जोधपुर में है, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है, लाफार्ज सीमेंट द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया है? लाफार्ज सीमेंट द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चित्तौड़गढ़ जिले के बावलिया ग्राम में, चित्तौड़गढ़ जिले के बावलिया ग्राम में दोस्तों लाफार्ज सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया है। तो इसमें दो नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा देश का पहला जैम बुर्ज कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा देश का पहला जो जैम बुर्ज कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कहाँ पर, तो वो किया जाएगा दोस्तों जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। दोस्तों भारत में वर्तमान में मुंबई व सूरत में डायमंड बुर्ज कार्यरत है, ठीक है। 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 31 नंबर प्रश्न है, राज्य के युवा उद्यमियों को अपना उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राजस्थान वित्त निगम द्वारा राजस्थान युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना कब लागू की गई? प्रश्न बड़ा है, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। राज्य के युवा उद्यमियों को अपना उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राजस्थान वित्त निगम द्वारा राजस्थान युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना कब लागू की गई? दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, तो वो है इसमें 19 अप्रैल 2013। क्या है इसमें? 19 अप्रैल 2013। दोस्तों इस योजना में देखो इसमें 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की लागत की परियोजनाओं हेतु न्यूनतम ब्याज दर व सुगम शर्तों पर राजस्थान वित्त निगम से ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की जो मिनिमम ब्याज रेट है उसके ऊपर आपको पैसे दिए जाएंगे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न है, आयसर पोलरिस कंपनी स्पोर्ट्स कार फैक्ट्री की स्थापना करेगी? आयसर पोलरिस कंपनी स्पोर्ट्स कार फैक्ट्री की स्थापना करेगी तो कहां पर करेगी? ये चार ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, तो इस जो ये स्पोर्ट्स कार फैक्ट्री की जो स्थापना करेगी ये आयरस पोलरिस कंपनी है, ये दोस्तों कहाँ पर करेगी? कुकस जयपुर में करेगी ये, ठीक है। और कुकस में कौन सी कॉलेज है? तो आर्या कॉलेज है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर प्रश्न है, निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की विशेष आर्थिक नीति जारी की गई? निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की विशेष आर्थिक नीति जारी की गई, तो दोस्तों ये जारी की गई कब? तो 13 मार्च 2003 को यह नीति है ये जारी की गई। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 13 मार्च 2003 राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर प्रश्न है, गौतम अडानी समूह ने राज्य में किस स्थान पर सूखा बंदरगाह बनाने हेतु प्रस्ताव दिया है? गौतम अडानी समूह ने राज्य में किस स्थान पर सूखा बंदरगाह बनाने हेतु प्रस्ताव दिया गया है? तो दिया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है?
तो वो है दोस्तों इसमें सांचौर जालौर, एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, सांचौर जालौर, ठीक है। तो देखो यह सूखा बंदरगाह है सांचौर के निहड़ क्षेत्र के भवतड़ा गांव में स्थापित किया जाएगा। कौन सा गांव है? भवतड़ा, ठीक है, भवतड़ा गांव में स्थापित किया जाएगा। सांचौर है वो जालौर में, और क्या है दोस्तों सांचौर में? तो दोस्तों गोगा जी की ओल्डी है सांचौर में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें एक नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर प्रश्न है, राजस्थान एंटरप्राइजेज सिंगल विंडो इनेबलिंग एंड क्लियरेंस अधिनियम व नियम 2011 राज्य के सभी जिलों में कब से लागू किए जा चुके हैं? तो दोस्तों ये अधिनियम और नियम है ये 2011 राज्य के सभी जिलों में कब से लागू कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 1 अप्रैल 2011 से ये सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। एक नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसमें 1 करोड़ से अधिक व 10 करोड़ रुपए से कम के प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु नोडल एजेंसी जिला उद्योग केंद्र है तथा 10 करोड़ या इससे अधिक के निवेश प्रस्तावों हेतु नोडल एजेंसी BIP यानी कि ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन है, ये भी आपको इसके साथ में ही याद रखना है। तो इसमें 1 अप्रैल 2011 से सभी जिलों में लागू कर दिए गए थे, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है, राज्य में बाहरी निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 कब लागू की गई? तो दोस्तों ये योजना है ये कब लागू की गई है ये अपने को इसमें बताना है। चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है, ये रहे। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ये 8 अक्टूबर 2014, ठीक है, 8 अक्टूबर 2014। दोस्तों यह योजना है वो 31 मार्च 2019 तक है लागू रहेगी, ठीक है, और ये खत्म भी हो चुकी है, ठीक है। चार नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो सेंट गोबेन ग्लास इंडिया द्वारा फ्लोट ग्लास संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों सेंट गोबेन, ठीक है, सॉरी सेंट गोबेन ग्लास इंडिया द्वारा फ्लोट ग्लास संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों कहाँ पर स्थापित किया गया, तो आप सभी को पता होगा ये कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये भिवाड़ी अलवर में स्थापित किया गया है, एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ भारत की सबसे बड़ी फ्लोट ग्लास भट्टी प्रारंभ की गई है। इस संयंत्र का उद्घाटन है वो 27 अक्टूबर 2014 को किया गया था। यह एशिया की सबसे बड़ी फ्लोट ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। तो इसमें एक नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में सामान्य जन शिकायतों व सुझाव के निवारण का एकीकृत वेब पोर्टल है। राजस्थान में सामान्य जन शिकायतों व सुझाव के निवारण की एक निवारण का एकीकृत वेब पोर्टल है, तो वो वेब पोर्टल कौन सा है? तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान संपर्क, एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान विशेष आर्थिक जोन विधेयक 2015 कब पास किया? राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान विशेष आर्थिक जोन विधेयक 2015 कब पास किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, 6 अप्रैल 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें इस विधेयक के तहत सेज से सभी जुड़े कार्य विकास आयुक्त के क्षेत्राधिकार में रखे गए हैं। तो इसमें 6 अप्रैल 2015 ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर प्रश्न है, राज्य का पहला सिरेमिक इंडस्ट्रियल जोन स्थापित किया गया है। तो राज्य का पहला सिरेमिक इंडस्ट्रियल जोन स्थापित किया गया है तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गिलोट अलवर में, ठीक है, गिलोट अलवर में दोस्तों राज्य का पहला सिरेमिक इंडस्ट्रियल जोन स्थापित किया गया है, ठीक है।
देखो इसकी जो शुरुआत हुई थी 9 दिसंबर 2014 को की गई थी। इसके अतिरिक्त दोस्तों सथाना अजमेर में भी सिरेमिक व कांच उद्योग के लिए विशेष औद्योगिक श्रेणी श्रेणी के क्षेत्र की स्थापना की गई है। ये भी आपको इसमें याद रखना है, अजमेर में भी है और किलोट अलवर में भी। नेक्स्ट है, दूसरा जापानी निवेश जोन कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये दोस्तों कहाँ पर स्थापित, तो गिलोट अलवर में स्थापित किया गया है। एक नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो प्रथम जापानी जोन है वो निमराना अलवर में और दूसरा जापानी निवेश जोन है ये दोस्तों गिलोट अलवर में। एक नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, राज्य में दक्ष कामगारों की उपलब्धता हेतु रिको द्वारा कहाँ स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया गया है। राज्य में दक्ष कामगारों की उपलब्धता हेतु रिको द्वारा कहाँ स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया गया है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो भिवाड़ी अलवर इसका राइट आंसर। एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 43 नंबर प्रश्न है, राज्य सरकार ने प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की, तो दोस्तों राज्य सरकार ने प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की, तो ये स्टार्टअप पॉलिसी है ये कहाँ पर लॉन्च की, तो ये लॉन्च की तो सॉरी कहाँ पर, और जो राजस्थान सरकार ने प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की तो ये कब की, कब की, तो ये 9 अक्टूबर 2015 को की थी जो राजस्थान सरकार ने प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी। ठीक है, 3 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो केरल कर्नाटक आंध्र प्रदेश व गुजरात के बाद ऐसी पॉलिसी जारी करने वाला राजस्थान देश का 5वां राज्य और उत्तर भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है, 3 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। 44 नंबर प्रश्न है, गंगानगर शुगर मिल की स्थापना कब की गई, तो दोस्तों गंगानगर शुगर मिल की जो स्थापना है वो कब की गई, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों सॉरी कहाँ की गई है, कब की गई है दोस्तों ये और कहाँ की गई है, तो ये की गई है कमीनपुरा करणपुरा गंगानगर में। दोस्तों गंगानगर शुगर मिल की स्थापना है वो की गई है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, कि ये इसकी स्थापना है वो कब की गई है वो आप जल्दी से कमेंट करके बता दो कि दोस्तों इसमें क्या होगा। ठीक है, कब की गई है इसकी स्थापना, गंगानगर शुगर मिल की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 नंबर प्रश्न है, देश के पहले MSME सेंटर की नींव कहाँ रखी गई, तो दोस्तों देश के पहले MSME सेंटर की नींव कहाँ रखी गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कहाँ पर, तो ये भिवाड़ी में रखी गई दोस्तों। एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 46 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सिंगल सुपर फॉस्फेट प्लांट लगना प्रस्तावित है। राजस्थान के किस जिले में सिंगल सुपर फॉस्फेट प्लांट लगाना प्रस्तावित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, तो वो है दोस्तों इसमें चित्तौड़गढ़ है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग द्वारा तैयार न्यू सिंगल विंडो पोर्टल का शुभारंभ किया गया, तो दोस्तों न्यू सिंगल विंडो पोर्टल का जो शुभारंभ है वो कब किया गया, तो दोस्तों ये किया गया था 1 जून 2016 को। कब किया गया था, 1 जून 2016 को दोस्तों ये किया गया था। एक नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड यानी कि जिसको अपन कहते हैं रील कंपनी को भारी उद्योग विभाग के अधीन एक स्वतंत्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में परिवर्तित करने की मंजूरी कब दी गई, तो दोस्तों ये मंजूरी है ये कब दी गई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है दोस्तों, तो वो है इसमें 3 फरवरी 2016 को ये मंजूरी दी गई थी। 2 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, राजस्थान स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन अधिनियम 2016 कब लागू किया गया। राजस्थान स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन अधिनियम 2016 कब लागू किया गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1 जुलाई 2016 को ये लागू किया गया था। एक नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इस विधेयक ने राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1955 का स्थान लिया है।
विशेष निवेश क्षेत्रों के संचालन हेतु मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में राजस्थान विशेष निवेश बोर्ड गठित किया गया है। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री द्वारा ई गवर्नेंस व आईटी नीति 2015 जारी की गई। मुख्यमंत्री द्वारा ई गवर्नेंस व आईटी नीति 2015 जारी की गई, तो दोस्तों ये कब जारी की गई है, तो ये की गई है 5 नवंबर 2015 को जारी की गई है। दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बौद्धिक संपदा अधिकार विभाग द्वारा किस राजस्थानी खाद्य उत्पाद को GI टैग में शामिल किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में बौद्धिक संपदा अधिकार विभाग द्वारा किस राजस्थानी खाद्य उत्पाद को GI टैग में शामिल किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, तो दोस्तों वो क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखो इसमें है राजस्थानी भुजिया। ठीक है, राजस्थानी भुजिया, इसको दोस्तों GI टैग में शामिल किया गया है। दो नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी की, दोबारा देखो, आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा सीमेंट निर्माण हेतु नई इकाइयां राज्य में कहां पर स्थापित की जाएगी। तो दोस्तों राज्य में कहां पर स्थापित की जाएगी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसका राइट आंसर है वो है नवलगढ़ झुंझुनू और जेतारण पाली। ठीक है, नवलगढ़ झुंझुनू और जेतारण पाली इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक और दो ऑप्शन है ये दोनों ही सही है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो इसमें 3 नंबर का गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही, यानी कि 4 नंबर का 1 और 2 दोनों सही है। 53 नंबर प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में पिनेकल इन्फोटेक सॉल्यूशन कंपनी का ग्लोबल आईटी डिलीवरी सेंटर स्थापित किया गया। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में पिनेकल इन्फोटेक सॉल्यूशन कंपनी का ग्लोबल आईटी डिलीवरी सेंटर स्थापित किया गया, तो ये दोस्तों कहां पर स्थापित किया गया ये, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है इसमें जयपुर में स्थापित किया गया दोस्तों। ठीक है, देखो महेंद्र वर्ल्ड सिटी सेज में इस सेंटर का उद्घाटन 5 अगस्त 2017 को किया गया था। ठीक है, तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 54 नंबर प्रश्न है, वल्लभ पित्ती समूह के भाग SPV ग्लोबल वेंचर्स द्वारा 21 जुलाई 2016 को राज्य के किस जिले में पूर्णतः स्वचालित टेक्सटाइल संयंत्र का शुभारंभ किया गया। वल्लभ पित्ती समूह के भाग SPV ग्लोबल वेंचर्स द्वारा 21 जुलाई 2016 को राज्य के किस जिले में पूर्णतः स्वचालित टेक्सटाइल संयंत्र का शुभारंभ किया गया, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, तो वो है दोस्तों झालावाड़ में। ठीक है, शुभारंभ किया गया, तो कब किया गया, तो दोस्तों 21 जुलाई 2016 को, और कहाँ पर है, तो झालावाड़ में किया गया है। ठीक है, और झालावाड़ में भी कहाँ पे, तो दनोदी ग्राम है दोस्तों। ठीक है, दनोदी ग्राम में किया गया था दोस्तों। ठीक है, 450 करोड़ की लागत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर प्रश्न है, देश की पहली राज्य स्तरीय IP टेलीफोन हॉटलाइन शुरू की गई। देश की पहली राज्य स्तरीय IP टेलीफोन हॉटलाइन शुरू की गई, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें 21 अप्रैल 2016 को ये प्रारंभ की गई थी। 3 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस मौके पर श्रीमती वसुंधरा राजे ने भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर की आधारशिला भी रखी थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 56 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र व उप केंद्रों की संख्या कितनी है। वर्तमान में राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र व उप केंद्रों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखो जिला उद्योग केंद्रों की जो संख्या है वो है 36। ठीक है, और उप केंद्रों की संख्या है
वो है दोस्तों 8। ये प्रश्न है, काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है। 1 अगस्त 2016 को सुजानगढ़ चूरू में एक नया उप जिला उद्योग केंद्र खोला गया है, ठीक है। तो देखो 36 इसमें और 8 इसमें, तो ये याद रखना, एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, राज्य में बिजली के मीटर बनाने के लिए प्रसिद्ध फैक्ट्री कौन सी है। तो दोस्तों राज्य में बिजली के मीटर बनाने के लिए प्रसिद्ध फैक्ट्री कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है दोस्तों, तो वो है जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जयपुर, ठीक है। ये है दोस्तों, ये राज्य में बिजली के मीटर बनाने के लिए प्रसिद्ध फैक्ट्री, एक नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर प्रश्न है, वस्त्र नगरी के रूप में ख्याति प्राप्त शहर है, वो इसका उत्तर क्या होगा, वस्त्र नगरी के रूप में ख्याति प्राप्त शहर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो है दोस्तों सबको पता है भीलवाड़ा है, 2 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। 60 नंबर प्रश्न है दोस्तों, तो 60 नंबर प्रश्न में देखो क्या हो जाएगा, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहां पर की गई। तो दोस्तों कहां पर की गई सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है लाखेरी बूंदी में की गई थी दोस्तों सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना, 1917 में की गई थी दोस्तों, ठीक है, लाखेरी बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर प्रश्न है, राज्य वित्त निगम RFC की स्थापना किस वर्ष में की गई। तो दोस्तों किस वर्ष में की गई, तो इसकी स्थापना की गई थी 1955 में, 2 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। देखो राजस्थान वित्त कमीशन का गठन 17 जनवरी 1955 को हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी है, तो टेक्सटाइल सिटी हो जाएगी दोस्तों इसमें भीलवाड़ा, ठीक है, 3 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। 63 नंबर प्रश्न है, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है। तो भिवाड़ी कहाँ आता है दोस्तों, तो भिवाड़ी आता है अलवर में, ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। 64 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर है। तो दोस्तों वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर है वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भीलवाड़ा है, ठीक है, 1 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस उद्योग समूह की संभावना सबसे अधिक है। तो किस उद्योग समूह की संभावना सबसे अधिक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है खनिज आधारित, ठीक है, 3 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया आज का अपना जो टॉपिक है वो समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। परीक्षा नज़दीक है तो बने रहिए आराध्या आरएस एकेडमी के साथ में। जय हिंद, जय भारत।